गए मेरे प्यारो लाज दुलारो, भाई की इज्जत रख ली तुमने आके दोबारा। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, वैसे तो आपने टाइटल पढ़ ही दिया होगा, यस सैमसंग और एप्पल ने नया डिसीजन लिया है और ये ऐसा शॉकिंग डिसीजन है जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपके पैरों तले जमीन और बैंक में से पैसे दोनों एक साथ उड़ जाए। तो आइए जानते हैं कि अब कौन सा नया धमाका करने वाले हैं दोनों कंपनियां मिलकर आने वाले साल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, लेकिन वक्त तो बर्बाद करना पड़ेगा ना थोड़ा, जल्दी से नहीं ज्यादा वक्त जल्दी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। अरे शुभम इंटर लगा। सो मेरे प्यारे लाजुलारो, पहले आपके पास स्मार्टफोन का डब्बा आता था ऐसे, ला रहे डब्बा ले, देखिए ये है स्मार्टफोन का डब्बा। वैसे तो मेरे पुराने स्मार्टफोन का डब्बा है, लेकिन आप देख सकते हैं पहले इसके अंदर आता था फोन, साथ में आते थे ईयरफोन और साथ में आती थी चार्जर और एक यूएसबी केबल, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते शाओमी आया, शाओमी ने तो फिर धीरे धीरे शाओमी आया और डब्बे में से ईयरफोन फेंक दिए, निकाल के हमने खरीदे बाजार से, लगाए पैसे हो ताकि शाओमी वालों का मुनाफा हो सके। हम अब सैमसंग और एप्पल ने दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में वो चार्जर भी नहीं देंगे। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आने वाले टाइम में सैमसंग और एप्पल दोनों ही डब्बे में से फोन ही भेजेंगे और एक केस भेजेंगे, बाकी और कुछ नहीं भेजेंगे, बाकी आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। सैमसंग का कहना यह है कि वो अब अपने स्मार्टफोन को चीपर बनाना चाहते हैं और स्मार्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि चीपर बनाते बनाते हम चीप हो जाएंगे कुछ ज्यादा ही, बचेगा नहीं रहे। पहले घर वाले पैसे बड़ी मुश्किल से देते हैं स्मार्टफोन के लिए, फिर उसके बाद चार्जर भी खरीदो ईयरफोन भी खरीदो। नहीं, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल मुझे तो लग रहा है। अब ऐसा एक मेरे पास एक आइडिया है दोस्तों, हम बैठेंगे आंदोलन पे, लेकिन अभी कोरोना है, बाहर मत निकलिएगा, भाड़ में जाइएगा पर भीड़ में मत जाइएगा, कृपा करके, कोरोना है कहीं फैल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए भाड़ में मत जाइए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल आइए दोस्तों अभी सैमसंग इंडिया पे और जाके ट्वीट करिए, फेसबुक पे इन्हें टैग करिए, इंस्टाग्राम पे भी टैग करिए और बोलिए कि चार्जर तो रे एक ही तो चीज है रे, अब उसके भी पैसे काटोगे तो हम कहां जाएंगे। मुझे तो लगता है दोस्तों बाकी आपके अपना डिसीजन है, अगर आपको क्या लगता है आपके इस बारे में क्या राय है कृपा करके नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय लिख दीजिए, क्योंकि योर ओपिनियंस मैटर रियली बिकॉज वी आर कस्टमर्स। लेकिन कंपनी ने तो वो भी नहीं छोड़ा, कष्ट दे दे के मारेगी कस्टमर, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी फोन के ऊपर प्रॉपर रिव्यू बनाऊं या किसी फोन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर भी है, जाइए मुझे टैग करिए या मुझे डीएम करिए या मुझे इनबॉक्स करिए, जो आपका मन चाहे वो करिएगा और आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस चीज के ऊपर बनाऊं। तब तक अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब तक देखा है तो इतना तो बनता है, भगवान माफ नहीं करेगा, सदा देगा ऊपर वाला, लाइक बनता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे अपना चार्जर फेंक के मारिए, ईयरफोन फेंक के मारिए या ये फोन का डब्बा फेंक के मारिए, मुझे नहीं पता, वो हो जाना चाहिए अभी के अभी होना चाहिए, कर दो रे। और एक और काम है, इस वीडियो को शेयर कर दो सब दोस्तों के साथ जहां भी मिले, व्हाट्सएप पे ऐसे भी गुड मॉर्निंग मैसेज तो शेयर करते ही हो ना, ये भी फॉरवर्ड कर दो, क्या हो गया, व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, सब जगह करो ताकि सैमसंग वालों तक हमारी आवाज पहुंचे और सैमसंग वाले चार्जर तो दे रहे, वरना धीरे धीरे करके हमें चार्जर भी बाजार से खरीदने पड़ेंगे। तो कृपा करके मेरा साथ दीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब जगह बताइए लोगों को कि भैया चार्जर बंद होने वाले ईयरफोन के बाद, मैं तो संन्यास पे जा रहा हूं, अगर आपको भी चलना हो तो बता दीजिएगा, दोनों साथ चलेंगे हिमालय के जंगलों में सन्यासी बनने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म,
मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोना नहीं चाहता, पर मैं रोऊंगा। मिलूंगा आपको एक ऐसी बकचोदी करते हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए अरे घर बैठो, करोना है तो बाहर जाके पार्टी नहीं करनी तुमने, समझे? ऐसे वो ये किस तरह पानी सब लगे थक जा रहे हैं।